वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ डिवीजी। हमारे पास लीनियर इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स चैप्टर का नाम है, डिफरेंशियल इक्वेशंस का चैप्टर है ये। इस टॉपिक पे हम क्वेश्चन बेस सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन किस प्रकार है। देखिए ये एक्सरसाइज 9 है, 9i है। यहाँ से 1 to 10 हम क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं 9 तक, बिल्कुल। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 10 हम इसे सॉल्व करेंगे 10 से आगे। तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन इसमें जो है आपको इस तरीके से दिया हुआ, 23 प्रश्न है। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर इसका 10 को सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 देखिए किस तरीके से, x का पावर 2 d का पावर 2 y बट्टा d x का पावर 2, इस तरीके से हमारे पास क्वेश्चन है। देखिए आपको यहाँ पर क्या करना है, log x बराबर z पुट करना है, ये होमोजीनियस है। इसीलिए कैसे हमको पता चला, देखिए आपको किस रूप का, यहाँ पर x स्क्वायर है, यहाँ पर x dy बट्टा dx है। इस तरीके से यहाँ पर log x बराबर z पुट करेंगे तो x बराबर e का पावर z नहीं हो जाएगा, x और ये log जाएगा तो आपको एक्सपोनेंशियल, ये d बट्टा dz मतलब आपको कैपिटल D, मतलब ये d के बराबर होता है। अब देखिए यहाँ पर ये चीज़ है ना, ये यहाँ पर इस चीज़ को आप लिख सकते हैं d इंटू डी माइनस वन, हाँ इसे आपको ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके इंटू वाई, ये इस चीज़ को डी वाई और ये आपको टू वाई बराबर में ई का पावर जेड इंटू जेड। ये कैसे हो चुका है, एक्स के जगह पर आपको जो है क्या जाएगा, ई का पावर जेड और लॉग एक्स मतलब जेड। अब देखिए ये इस तरीके से आ चुका, वाई कॉमन ले लीजिए, यहाँ से आपको आ चुका ये डी स्क्वायर माइनस टू डी प्लस टू वाई बराबर जेड ई का पावर जेड। ऑक्सिलियरी इक्वेशन निकाल लेंगे, जो आ चुका हमारा ऑक्सिलियरी इक्वेशन, ये वन प्लस माइनस आयोटा मतलब आपको अल्फा का मान वन बीटा का मान वन आ चुका है। यहाँ से अपन सी एफ निकालेंगे, ई का पावर वन इंटू जेड मतलब अल्फा एक्स होता है, यहाँ पर जेड है तो जेड के टर्म में ई का पावर वन इंटू जेड, सी वन कॉस जेड सी टू साइन जेड मतलब ई का पावर जेड मतलब कॉस सॉरी एक्स, ये सी वन ये आपको कॉस, देखिए ये चीज़ है जेड मतलब आपको लॉग एक्स और C2 टू साइन लॉग एक्स। अब देखिए आपको क्या करना, PI निकालना, फाइंड क्या करना PI, तो PI बराबर लिखना 1 बट्टा डी स्क्वायर माइनस टू डी प्लस टू बराबर z e का पावर z सॉरी बराबर में नहीं इनटू में। ये देखिए आपको जो है e का पावर z है ना, बिल्कुल ये आपको e का पावर z है, तो आप इस केस में क्या करेंगे कि आपको PI निकालेंगे, नहीं बिल्कुल, तो e का पावर z है मतलब z के गुना में कितना है मतलब 1, मतलब d के जगह पर आपको 1 पुट करना है। ओके तो चलिए मैंने पुट कर दिया 1, तो हमारे पास आ चुका 1 बट्टा 1 z e का पावर z और e का पावर z हमारे पास क्या था x था और ये x log x आ चुका। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, कंप्लीट सॉल्यूशन लिखेंगे, तो ये आपको सी एफ है और ये आपको x log x क्या आ चुका आपको ये चीज़ पी आई। ओके हमारे पास अगला प्रश्न 11 है जो इस तरीके से आपको दिखता है, देख लीजिए आप इस यहाँ पर भी वही काम करना है, होमोजीनियस जो भी केस हो उसमें आपको काम करना, लॉग एक्स बराबर जेड पुट कर लेना है, एक्स बराबर ई का पावर जेड आ चुका, डी बट्टा डी जेड बराबर में आपको डी आ चुका है। आप देखिए इसे डी इंटू डी माइनस वन और इसे डी वाई और ये तो 20 वाई कॉमन ले लीजिए और यहाँ से आपको आ चुका है ये इस तरीके से। देखिए यहाँ पर आपको एक्स प्लस वन है, एक्स के जगह पर ई का पावर जेड, इसलिए आपको इसको होल स्क्वायर बन चुका है ये। अब देखिए यहाँ पर वाई कॉमन ले चुके हैं तो इस तरीके से आ चुका है, या ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाल लिए, क्या आ चुका हमारे पास, देखिए यहाँ से एम का मान आ चुका 4 माइनस का 5। अब देखिए सी एफ निकालेंगे, सी वन ई का पावर 4 जेड प्लस सी टू ई का पावर माइनस 5 जेड मतलब आपको सी एफ आ चुका है, यहाँ से सी वन एक्स का पावर 4, ये सी टू 1 बट्टा एक्स का पावर 5 नीचे ला के लिख दिया और 4 पी आई के लिए काम करते, तो पी आई बराबर ये चीज़। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, फैक्टर जो था ना वो फैक्टर में इसको अलग अलग तोड़ना है, ये इस चीज़ के गुना में ये इस चीज़ और ये, हाँ नहीं समझ में आया मैं आपको बता दूँ, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है मतलब ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, लेकिन सभी को अलग अलग लिख दिया इसको गुना में, यहाँ पर डी के जगह पर 2, यहाँ पर डी के जगह पर 1, यहाँ पर आपको डी के जगह पर 0। देखिए ना मैंने ऐसा बना दिया ताकि हमको समझ में आए कि डी के जगह पर 0 यूज करना है। देखिए मैं अपन पुट भी कर दिया, देख लीजिए ना डी के जगह पर 2 पुट किया, 1 पुट कर दिया 0, तो यहाँ से हमारे पास आ चुका माइनस 1 बट्टा 14 और ई का पावर 2 जेड माइनस 1 बट्टा 9 और ये 2 कैंसिल 2 से 18 एंड माइनस 1 बट्टा 20। कंप्लीट सॉल्यूशन निकाल लिया दोनों को एडिंग करके। ओके हमारे पास अगला प्रश्न है जो इस तरीके से दिखता है, ये 12 नंबर क्वेश्चन है। अब चलिए इसे भी सॉल्व कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर डी टू वाई बट्टा डी एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस का डी वाई बट्टा डी एक्स और प्लस 4y बराबर में हमारे पास है एक्स स्क्वायर।
यहाँ देखिए आपको पुट करना है लॉग एक्स बराबर आपको जेड, तो एक्स बराबर ई का पावर जेड आ चुका है। ये आपको इसे लिख दीजिए डी इंटू डी माइनस वन, और ये आपको क्या लिखना है आपको डी वाई, और ये आपको फोर वाई बराबर का एक्स स्क्वायर है ना, तो एक्स के जगह पर आपको ई का पावर जेड मतलब ई का पावर टू जेड, वाई कॉमन ले लीजिए यहाँ से आपको आ चुका है डी स्क्वायर माइनस चार वाई बराबर में ई का पावर टू जेड। ऑक्सिलियरी इक्वेशन निकाल लेंगे तो हमारे पास एम का मान आ चुका है टू टू, और यहाँ से आपको सी एफ निकालेंगे दोनों इक्वल है तो कोई दिक्कत नहीं, वही वाला केस लगेगा लेकिन आपको जेड जेड लिखेंगे ना कि एक्स। ओके आप देखिए यहाँ पर ये सी वन सी टू और जेड की जगह पर लॉग एक्स, ये आपको एक्स स्क्वायर। पी आई निकालेंगे वन बट्टा डी माइनस टू का होल स्क्वायर ई का पावर टू जेड, मतलब डी के जगह पर डी प्लस टू पुट करिएगा तो ई का पावर टू जेड वन बट्टा डी प्लस टू माइनस टू का होल स्क्वायर, मतलब ई का पावर टू जेड वन बट्टा डी स्क्वायर, ये जेड का पावर जीरो मतलब आपको अच्छा एक चीज है, ये जेड का पावर जीरो मतलब वन, बिल्कुल वन, वन टाइम में जेड टू टाइम में जेड स्क्वायर बट्टा टू, क्या मतलब वन टाइम टू टाइम इंटीग्रेशन कर रहे हैं ये इंटीग्रेशन। अब यहाँ पर हमारे पास आ चुका है ई का पावर टू जेड मतलब एक्स स्क्वायर, और ये आपको जेड के जगह पर लॉग एक्स मतलब लॉग एक्स का होल स्क्वायर बट्टा टू। कंप्लीट सॉल्यूशन लिखेंगे ये सी एफ और ये हमारा पी आई जो आपको आ चुका है। अगला प्रश्न हमारे पास जो है वो क्या है 30 नंबर है जो इस तरीके से हमारे को दिखता है। अब लॉग एक्स बराबर क्या करना है आपको जेड पुट करना है, तो एक्स बराबर ई का पावर जेड एंड डी बट्टा डी जेड बराबर में डी, ये चीज है ये तो यहां पर एक चीज है आपको यहां पर एक्स का पावर थ्री वाला है तो ये आपको रूल आपको लगाना है। ओके बिल्कुल यहाँ आप देख सकते हैं ये आपको जो है जब आपको जो है ना डी का पावर दो वाई बट्टा डी एक्स स्क्वायर होता है तो आप क्या चीज़ पुट करते हैं यहाँ पर आपको दिए हुआ है डी इंटू डी माइनस वन इंटू वाई, कोई दिक्कत नहीं होगा मतलब आपको ये चीज़ पुट करना है। ओके और यहाँ पर आपको जो है जब एक्स का पावर थ्री में हो तो आपको ये चीज़ ओके, तो ये आपको समझ में आ रहा है बिल्कुल समझ में आना चाहिए, जब एक्स डी वाई बट्टा डी एक्स उसके जगह पर डी वाई पुट करना है, यही तीन कंडीशन है बाकी कुछ नहीं। ओके तो अपन इसे क्या कर दिया कन्वर्ट कर दिया आपको डी इंटू डी माइनस वन डी माइनस टू ओके, एंड ये आपको डी और ये डी इंटू डी माइनस वन इंटू वाई और ये आपको डी वाई प्लस वाई। अब देखिए बराबर में ई का पावर थ्री जेड मतलब एक्स का पावर थ्री एक्स के जगह पर ई का पावर जेड है इसलिए ई का पावर थ्री जेड, सर आपको आप जेड में कन्वर्ट कर चुके दिक्कत नहीं है। आपको यहाँ से देखिए आप ऐसा करिए वाई कॉमन ले लीजिए वाई कॉमन ले लीजिए, अच्छा एक चीज़ है यहाँ पर आपको पहले गुना कर लीजिए फिर वाई कॉमन लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, मुश्किल नहीं है मुश्किल नहीं है, आप वाई कॉमन ले लीजिएगा तो आपको ये नॉर्मल कैलकुलेशन है गुना करने के बाद, जो कट रहा था उसे काटना तो पड़ेगा ही ऑब्वियसली काट दिया अपन, हमारे पास आ चुका है वाई और ये चीज़ आपको ऑक्सिलियरी इक्वेशन यहाँ से फाइंड करेंगे तो ये आपको आ चुका है देखिए ना क्या आ चुका है वन और प्लस माइनस आयोटा आयोटा है अच्छा एम बराबर वन तो प्लस माइनस वन होगा ना बिल्कुल प्लस माइनस वन होगा डोंट आयोटा, मतलब यहाँ पर आयोटा नहीं होगा क्योंकि आपको देखिए ना इसको इधर भेजेंगे तब ये क्या हो जाएगा आपको माइनस वन है तो आप प्लस वन हो जाएगा नहीं बिल्कुल, और ये एम स्क्वायर बराबर ये माइनस वन है क्या ये एम स्क्वायर प्लस वन है, ओ हमारे पास ऑक्सिलरी इक्वेशन आ चुका है एम एस एम का पावर थ्री माइनस एम स्क्वायर माइनस एम प्लस वन। अब यहाँ से देखिए एम का मान आपको हो चुका है ये एम स्क्वायर माइनस वन और ये आपको एम माइनस वन, एम का मान आपको ये वाला लीजिएगा तो वन और ये वाला लीजिएगा तो प्लस माइनस वन, आपको देखिए ये वन वन ये माइनस वन, आप यहाँ पर क्या कर लेंगे सी एफ निकालेंगे, क्या निकालेंगे सी एफ, तो आप यहाँ से क्या लिखेंगे सी वन सी टू इंटू जेड ई का पावर, देखिए दो को तो सेम है ना मतलब दो इक्वल वाला होगा और ये माइनस वन वाला अलग केस हो जाएगा, और ये आपको सी एफ आ चुका है ई का पावर जेड मतलब आपको क्या चीज़ है एक्स याद रखना और जेड आपको लॉग एक्स है, और ये आपका आ चुका पी आई निकालेंगे इसका वन बट्टा डी स्क्वायर माइनस वन डी माइनस वन, डी के जगह पर थ्री पुट कर दीजिए चलिए पुट कर दिया तो एक बट्टा सोलह एक्स का पावर तीन बट्टा सोलह मतलब कंप्लीट सोल्यूशन यह आ चुका है। अगला प्रश्न हमारे पास 14 है जो आपको इस तरीके से दिखता है मल्टीप्लाइंग बाई एक्स, अच्छा मैं क्यों मल्टीप्लाइंग कर रहा हूँ क्योंकि आपको डी का पावर थ्री है मतलब डी का पावर एक्स का पावर थ्री बनाना है इसलिए ओके समझ में आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर ये पुट एक्स बराबर ई का पावर जेड, मैंने क्या किया एक्स के जगह पर ई का पावर जेड पुट किया या फिर जेड बराबर लॉग एक्स लिखे डी बट्टा डी जेड बराबर डी लिखे बात वही होता कोई फर्क नहीं पड़ता। आप देखिए ये चीज़ डी इंटू डी माइनस वन डी माइनस टू और ये आपको डी माइनस वन इंटू का वाई डी के साथ लेकिन ये डी वाई, तो इस तरीके से था वाई कॉमन ले चुके हैं यहाँ से आ चुका डी का पावर थ्री माइनस सेवन डी स्क्वायर प्लस ट्वेल्व डी और वाई बराबर चार ई का पावर जेड। सी एफ निकालेंगे मतलब आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे पहले तो एम का मान जीरो थ्री चार, आप देखिए यहाँ पर
आपको CF यहाँ से अपन निकाल चुके हैं, इस तरीके से आ चुका आपको देखे ना, ये Z में आया, लेकिन बाद में हमने कहा किया इसे X में कन्वर्ट कर दिया क्योंकि E का पावर Z बराबर में पता है X। PI निकालेंगे 1/f(d) इंटू 4 E का पावर Z। ये f(d) मतलब D का पावर 3 माइनस 7d² + 12d, मतलब D की जगह पर आपको क्या करना 1 पुट करना है, तो आ चुका है यहाँ से आपको 4/5 इंटू का X, Y आपको आ चुका है, मतलब कंप्लीट सॉल्यूशन आपका ये आ चुका है। ओके, हमारे पास अगला क्वेश्चन है वो आपको 15 है, जो आपको दिखता है किस तरीके से, इस तरीके से दिखता है। अब चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। वाई इंटू ये एक्स का पावर 4 है और ये आपको डी का पावर 3 है। हाँ, इससे तो कुछ ना कुछ तो फायदा आएगा हमें। अच्छा, ये चीज लिखा जो हुआ है ना, ये क्या लिखा हुआ आपको मालूम है, वाई और ये एक्स था, एक्स कॉमन लेके नीचे भेज दिया गया ताकि डी का पावर 3 एक्स का पावर 3 बन जाए। वाओ, अच्छा फायदा है। हाँ, ऐसा ही काम करते। चलिए, मैंने अपना काम कर लिया, यहाँ पर वाई बाहर निकाल ले चुके हैं। एंड आगे देखिए आप, यहाँ पर ये एक्स का पावर 3 डी का पावर 3, ये 2x का पावर 3 ये d² आप देखिए ना, इस चीज़ की जगह पर log x बराबर z पुट करेंगे, x बराबर e का पावर z आएगा। फाइनली आप देखेंगे तो यहाँ पर d इंटू d-1 d-2 होगा और ये इंटू वाई रहेगा। y में कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि y आपको साइड से बाहर है। एंड आगे देखिए आपको 1/e^z, क्योंकि x^-1 इसका u मतलब आपको हो चुका है, x के जगह पर आपको क्या आ चुका है, e^z नीचे ले आएंगे। y बाहर निकाल चुका हमारा, आ चुका है इस तरीके से, यहाँ से आपको e^-z यहाँ लिखेंगे। ऑक्सिलियरी इक्वेशन आ चुका है, कितना आ चुका हमारे पास 0, मतलब आपको 1 1-1। अब इसका CF निकाल कर लिख दिए, e^z के जगह पर आपको कहाँ क्या पहुँचाना है, आपको x पहुँचाना है, z की जगह पर log x पहुँचाना है। चलिए PI निकालते, तो इसके लिए D के जगह पर d-1 पुट कर दीजिए। चलिए, हमने पुट कर दिया, ये e^-z साइड में आ चुका है और यहाँ पर आपको देखिए क्या आ चुका है, d²-2dd-2 गुना कर दिया, यहाँ से x^0 लिखे हुए, x^0 नहीं, आपको z^0, क्योंकि आपको देखिए ना, z में हम निकाल लेना, x में तो अभी कन्वर्ट नहीं किया, तो लास्ट में कन्वर्ट करते, तो इस प्लीज़ आप x^0 को z^0 लिख लेंगे। ओके, वैसे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फ़र्क पड़ता है क्योंकि z है तो z में दिखाना पड़ेगा। और ये चीज़ आप देखिए, इसे z^0 लिखेंगे, इसको इससे गुना कर देंगे ना, तो आपको क्या हो चुका, बाकी ये सब टर्म 0 हो जाएगा, ये आपको 1 हो चुका है। एक मतलब डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन z, देखिए z ही दे चुके हैं, यहाँ पर आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, और ये इसे z^0 कर लेंगे। 1/4 ये आपको e^z की जगह पर x, मतलब log x, और ये आपको आ चुका है इस तरीके से, ये आपका CF हुआ और ये आपका क्या आ चुका, आपको PI आ चुका है ना, बिल्कुल नॉर्मल है। अगला प्रश्न हमारे पास 16 है, जो दिखता है इस तरीके से, log x बराबर क्या करना, आपको z पुट करना, मैंने भी पुट कर दिया x^e^z। एंड आप मुझे ये बताइए d/dz बराबर जो होगा आपको बड़ा वाला d, ये तो इस तरीके से आपको याद रखना। ओके, तो चलिए मैंने इसे क्या कर दिया, यहाँ से इसको जो है आपको ट्रिपल वाला, तो ट्रिपल वाला जो याद है d(d-1, d-2)y, तो ये काम कर देना। ओके, यहाँ पर भी आपको वही काम करना है, यहाँ पर भी आपको वही काम करना, वही काम का मतलब ये चीज़ को नहीं नोट करना, dy/dx है उसके लिए। एंड ये देखिए, और x^3 ना, तो इसके जगह पर e^z का मतलब 3z, और ये 3e^z, यहाँ से y कॉमन ले लिया, तो हमारे पास जो आ चुका है रिजल्टेंट आ चुका है क्या, इस तरीके से आ चुका है। पेंसिल वेंसिल मतलब काट कूट दीजिए, तो हमारे पास इस तरीके से आ जाएगा। ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे, एक चीज़ है m^3 है, ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे निकालेंगे, हिट एंड ट्रायल मेथड लगाएं क्या, लगा दीजिए वही मेथड। आप देखिए यहाँ पर 1-1 2 पुट किया, तो 1 क्या किया कि इसको सेटिस्फाई कर लिया, तो बड़ी खुशी की बात है, मतलब 1 क्या होगा, इसका फैक्टर होगा। चलिए निकाल लीजिए, मतलब डिवाइड कर दीजिए, आ चुका है देखिए ना, मैंने डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद कितना आ चुका है देखिए ना, ये वाला पार्ट। अब इसको भी हमने तोड़ कर निकाल लिया, आ चुका है, इसको तोड़ा तो -1 -2 नहीं आएगा, देखिए ना इसका फैक्टर तोड़ना था, m^1 1 1 2 2 आ चुका है। CF निकालेंगे, ये इक्वल वाला केस और ये आपको अलग वाला, मतलब c^3e^2z। एंड यहाँ पर आपको z के जगह पर log x, e^z के जगह पर आपको x आ चुका है। PI निकालेंगे, अच्छा PI निकालेंगे, ये d^3 में लिखना है, और ये चीज़ है इसको बारी बारी से गुना कर दीजिए, अलग अलग इसको तोड़ लेंगे। d^3 आप पुट करिए, यहाँ पर e^z है, मतलब आपको 1 पुट करना, अच्छा 0 0 0 मतलब 0 बनाएगा, d की जगह पर d+1 पुट कर दीजिए। चलिए पुट कर दिया अपन, तो अच्छा क्या आ चुका है, ये 3 पुट करेंगे तो इस तरीके से आ चुका है, और इसमें आपको क्या था, d की जगह पर d+1 पुट कर दिया ना, तो यहाँ आ चुका d²-d(d-1), अच्छा -1 कॉमन ले लिया, चलिए बाहर कर दीजिए ना, कॉमन है, और अच्छा ये d² ये भी बाहर कर दीजिए,
इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे ये फ़ायदा होगा, ये फार्मूला बन चुका है जेड का पावर जीरो, ये आपको वन और इसका टू टाइम डिफरेंशिएशन कर देंगे, सॉरी इंटीग्रेशन कर देंगे, वन का आपको जेड फिर इंटीग्रेशन करेंगे जेड स्क्वायर बट्टा टू। और यहाँ से आपको ये आ चुका है, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन लिख लिया अपन, आ चुका है ये चीज़। अब देखिए हमारे पास ये क्वेश्चन था, बहुत आसानी से क्या हो चुका आपको सॉल्व हो चुका, क्वेश्चन नंबर आपको 16 था, 17 हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे।